हम पहुंचे हैं बॉर्डर पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं देश के अलग अलग भागों से, और जो वातावरण था भारत माता की जय और वंदे मातरम के जो नारे लगे हैं उससे एक बार फिर से देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है लोगों में। और व्यवस्था यहाँ की काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सुधारा जा सकता है, जैसे कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है, यहाँ के लोगों का आना जाना है। भारी संख्या में लोग आते हैं और अलग अलग नज़ारा देखने को आते हैं, देशभक्ति की चीज़ें देखने को आती हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ हैं जो ठीक हो सकती हैं, उन्हें सुधारा जाना चाहिए। यहाँ नॉर्वे से आई हूँ स्पेशली अटारी बॉर्डर विजिट करने, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर्षोल्लास से लोग भारत की जय जयकार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देशभक्ति फील होती है, और मतलब बहुत जोश भर जाता है। हर भारतीय को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। जी मेरा नाम पवन है, मैं बैंगलोर से यहाँ आया था वाघा बॉर्डर की परेड देखने। अंदर जोश का माहौल था, हमें बहुत मज़ा आया, मैं सह परिवार यहाँ पर आया था, और जिस हिसाब से अंदर प्रबंध किया गया उस हिसाब से बाहर प्रबंध नहीं है। हमारी गाड़ियों को हमें बीच रास्ते में रोकना पड़ा। यहाँ पर लगभग 50-60 हज़ार बंदा था, लेकिन कोई भी उसके लिए व्यवस्था नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से आवेदन करूँगा कि कृपा करके वो इसके लिए थोड़ा कुछ करें, ताकि जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनको इतनी तकलीफ ना करनी खानी पड़े। अच्छा लगा, मैं जयपुर से आई हूँ। अंदर बहुत ही जोश भरा माहौल था, यहाँ के देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा।
रही मैं। बड़ी दूर से आए हैं पानीपत और यमुनानगर से। यहाँ बहुत ही देशभक्ति का माहौल है। कहा जाता है यहाँ रोज 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं, मगर आज हमने कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों को यहाँ देशभक्ति के नारे लगाते हुए देखा। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा था, देशभक्ति का भाव था, मगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि सुधारी जा सकती थी। जैसे कि गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी पीछे 2-3 किलोमीटर से ही, उनकी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, बट उसके अलावा बाकी सब अच्छा था। BSF ने काफ़ी ध्यान से भीड़ का मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छे से मतलब माहौल रहा, कोई भगदड़ का माहौल नहीं इतने हज़ारों की संख्या में। Out.